इमरान खान सरकार में मंत्री और पीटीआई के सीनियर लीडर ने कहा है कि इमरान को नोटिस मिल चुका है, इमरान खान की जान को खतरा था और इस पर शक नहीं कि इमरान खान फिर हमले की साजिश का शिकार हो सकते हैं। आपसे कुछ देर कबल इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची, इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पर आए हैं और उनका मकसद ये था कि जो तोशाखाना केस के अंदर एक हाजिरी के ऊपर वारंट जारी किया था उसको एग्जीक्यूट कराना। अब तक इमरान खान के ऊपर 74 मुकदमे हैं, उनमें से 30 मुकदमे जो हैं वो क्रिमिनल, उनमें से 30 बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नोटिस हमने देख लिया है, हमने मौसूल कर लिया है, नोटिस में कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हम 2:30 बजे अपने वकला से मशवरा करेंगे और उनकी मशावरत के बाद अपने लायमल का ऐलान करेंगे। नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान ने हमेशा कानून का, अदालतों का एहतराम किया है और जब भी उन्हें तलब किया गया वो पेश हुए। सिक्योरिटी रिस्क लेकर भी वो लाहौर हाई कोर्ट में उनके हमराह था, वो पेश हुए। उनकी अभी डॉक्टर्स की पूरी इजाज़त भी नहीं मिली थी, उनने रिस्क लिया, पहुंचे। नोटिस मिला है, हमने मौसूल कर लिया है और हम कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सियासी तौर पर हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा सियासी रद्देअमल भी होगा, लेकिन बिला वजह न घबराने की जरूरत है, न पैनिक करने की जरूरत है। हाँ, मोहतात रहने की जरूरत बिल्कुल है, अपनी हिकमत अमली पर गौर वफौस करने की बिल्कुल ज़रूरत है। सीनियर लीडरशिप के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, हम यहाँ जमान पाक में मौजूद हैं और मशावरत के बाद अभी इमरान खान साहब से मुलाकात भी होगी। मुलाकात के बाद, मशावरत के बाद हम अपना रद्द अमल देंगे, इसमें कोई शक नहीं। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि इमरान खान की जान को खतरा था और खतरा है, उन पर एक कातिलाना हमला हुआ और ऐन मुमकिन है कि दोबारा एक असैसिनेशन अटेम्प्ट का प्लान मुरतब किया जा रहा हो, ये हमें खदशा ज़रूर है और हमने उस खदशे से अपने आप को और अपनी लीडरशिप को, अपने चेयरमैन को महफूज करने के लिए हमने अपना लायमल मुरतब भी किया है। तो आपने सुना, लगातार जो पीटीआई के नेता हैं, जो इमरान खान के करीबी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, उन पर पहले भी हमला हुआ है और हमले होने की साजिश रची जा रही है, इसी वजह से इमरान खान के खिलाफ ये पूरी जो सियासी साजिश है वो भी रची जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।